आज हम परंपरावादी एवं आधुनिक उद्यमिता में अंतर देखेंगे। परंपरावादी एवं आधुनिक या पेशेवर उद्यमी में भारी अंतर देखा गया है। इन दोनों में कुछ इस तरह की भिन्नताएं हैं जिनके निम्नलिखित आधार हैं। पहला उद्देश्य, परंपरावादी उद्यमी का मुख्य उद्देश्य किसी उपक्रम की स्थापना करना और उसे संचालित करना तथा उससे लाभ कमाना होता है, जबकि आधुनिक पेशेवर उद्यमी का उद्देश्य कोई नवाचार करना एवं उसे क्रियान्वित करने हेतु किसी उपक्रम की स्थापना एवं संचालन करना तथा दौलत का सृजन करना होता है। दूसरा आता है स्थिति। स्थिति में देखें तो परंपरावादी उद्यमी की स्थिति, व्यवसाय का वह स्वामी होता है, अर्थात वह व्यवसाय का बॉस होता है, जबकि आधुनिक उद्यमी वह व्यवसाय का नेतृत्व करने वाला लीडर होता है। तीसरा, सहयोगी। परंपरावादी उद्यमी अकेला ही कार्य करने में अधिक विश्वास रखता है, क्योंकि वह दूसरों पर विश्वास नहीं रखता है, जबकि आधुनिक पेशेवर उद्यमी वह अन्य उद्यमियों एवं लोगों के साथ मिलकर कोई नया कार्य का सृजन करता है और वह मिलजुल कर कार्य करने में अधिक विश्वास रखता है। जहां चौथा है गोपनीयता। परंपरावादी उद्यमी वह गोपनीयता ज्यादा बरतता है अपने व्यवसाय में तथा अपने उपक्रम एवं कार्यों की बातों को दूसरों से विचार विमर्श शेयर नहीं करता है, न ही अपने उद्यम की कुछ चीज़ें अन्य उद्यमकर्ता को बताता है, जबकि आधुनिक उद्यमी का विचार बड़े खुलेपन का होता है, वह गोपनीयता में विश्वास नहीं रखता है तथा अपने नवाचार एवं उपक्रम के बारे में सभी को सामान्य जानकारी देता रहता है और उनसे कुछ विचार विमर्श करके कुछ नया आइडिया समूह चर्चा के माध्यम से प्राप्त करता है। पांचवा आता है परंपरावादी उद्यमी विचार विमर्श के द्वारा वह किसी अन्य से अपने उपक्रम के बारे में विचार विमर्श नहीं करता है, वह स्वावलंबी प्रकृति का होता है, जबकि आधुनिक पेशेवर उद्यमी वह अपनी योजना का दूसरों से बातचीत करता है तथा उसमें नई बातें जानना चाहता है, नए आइडिया का समावेशित करना चाहता है। छठा आता है कार्य करने का ढंग। परंपरावादी उद्यमी के कार्य करने का ढंग वह वही सब कुछ करता है जो उसके मन में आता है, जो मन में आता है वह उसे ठान लेता है, जबकि पेशेवर आधुनिक उद्यमी व्यवसाय की योजना पहले तैयार करता है, उसमें आने वाली कठिनाइयों के बारे में पहले फोरकास्टिंग करता है, उसे किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाए ताकि उद्यम में किसी भी प्रकार की अड़चन न आए और आसानी से सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके। निर्णय। परंपरावादी उद्यमी निर्णय वह सभी निर्णय स्वयं और तत्काल लेता है, क्योंकि निर्णय पर वह किसी पर विश्वास नहीं रखता है और निर्णय उसे ही लेना होता है, चाहे वह जल्दी ले चाहे वह देर में ले। देखा गया है कि वह निर्णय तत्काल लेता है, जबकि आधुनिक उद्यमी वह निर्णय में अन्य लोगों की राय लेता है, निर्णय इतना आसानी से नहीं लेता है, सभी तरफ की बातों से आश्वस्त होकर ही जो उसके व्यवसाय में लाभदायक पक्ष है उसको विचार विमर्श करके सबकी सहमति के आधार पर अच्छा उचित निर्णय समय अनुकूल लेता है और
पार्टिसिपेशन वाले निर्णय को महत्व देता है। लिंग के आधार पर वह उद्यमी प्राय पुरुष ही होता है। परंपरावादी उद्यमी को साधारणतः पुरुष ही होता है, जबकि आधुनिक पेशेवर उद्यमी ऐसा उद्यमी महिला और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब महिलाएं भी नई आधुनिक उद्यमियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। सफलता का आधार, परंपरावादी उद्यमी ऐसे उद्यमी सफलता के लिए एक अच्छे विचार को ही आधारभूत मानते हैं, जबकि आधुनिक उद्यमी ऐसे उद्यमी सफलता के लिए अच्छे नवाचार के श्रेष्ठ क्रियान्वयन को ही आधार मानते हैं। उनका मानना है कि नवाचार यदि श्रेष्ठ होगा तो हमारा नया उत्पाद और उससे लाभ अत्यधिक अर्जित होगा। परंपरावादी उद्यमी ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही उपक्रम को चलाते हैं। ऐसा उद्यमी केवल उद्यम संबंधी ज्ञान या अनुभव होने पर ही कोई उपक्रम प्रारंभ करता है। परंपरावादी जब तक पूर्ण कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वह परंपरावादी उद्यमी उद्यम प्रारंभ नहीं करेगा। जबकि आधुनिक उद्यमी ऐसे उद्यमी हैं जो उद्यम संबंधी ज्ञान अनुभव के स्थान पर व्यावसायिक ज्ञान होने पर ही कोई उपक्रम प्रारंभ करता है। उपक्रम का ज्ञान नहीं हो लेकिन वह उपक्रम को प्रारंभ कर देता है और आने वाली चुनौतियों का सामना भी वह समय और परिस्थिति के अनुकूल करता रहता है। 11वां आता है तकनीकी का उपयोग। परंपरावादी उद्यमी तकनीकी का उपयोग ऐसे उपयोग उद्यम में स्वचालन ऑटोमेटिक करने पर बल देता है। मान लो कोई तकनीकी पुरानी हो गई और उसकी जगह कोई नई तकनीकी आ गई, तो वह उस नई तकनीकी को अडॉप्ट कर लेता है। जबकि ऐसे उद्यमी जो आधुनिक उद्यमी हैं, ऐसे उद्यमी तकनीकी का उपयोग नवाचार करने पर ही बल देते हैं। वे उस तकनीकी के आधार पर और कोई नया टेक्निक मेथड या कोई इनोवेशंस करने में हमेशा लगे रहते हैं।